अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रहे हैं दोपहर के चार या शाम के चार कह लो, पर धूप बहुत ज़्यादा है तो हिम्मत नहीं होती निकलने के लिए। बट अभी मैं निकल रही हूँ क्योंकि निकले बिना काम नहीं होगा, तो बाहर तो जाना ज़रूरी है। प्लस तो आज मैंने फर्स्ट ब्लॉग शुरू किया था। हाँ, मारिया ने शुरू किया, पता नहीं कैसा किया इसने, क्या मालूम क्या किया। तो मैं अभी से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, अभी 4 बजे शाम के। रोटी मैंने बना ली है, बाकी कल का बहुत सारा बचा हुआ है, तो चलते हैं पहले ले आते हैं सामान। और बच्चों की ईद की ड्रेस के लिए लेसेस भी लेने थे मुझे, तो देखती हूँ अगर भीड़ नहीं हुई तो लेसेस लूंगी, अदरवाइज मैं आ जाऊंगी वैसे, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी। अभी ईद का टाइम भी है ना, तो हर जगह भीड़ है, मतलब चूड़ियों में, उनके लेसेस में बहुत ज्यादा भीड़ है। तो देखती हूँ अगर लेस और चूड़ियाँ मिल गई तो मैं ले आऊंगी। इनको भी लेके आ रही हूँ, उनके नाप देख लेंगे। तो बस मैं तो छोटी कह रही हूँ शुरू हो गई है ईद की, चलती हूँ आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो लेसेस तो इनके कपड़ों की हो गई है, अब चलते हैं चूड़ी वगैरह देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी मिश्रा आगे, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। आगे जाएंगे कैसे? चल के वहाँ जाना है मुझे आगे। हाँ। ये बच्चों के हाथ की चूड़ियाँ हैं, उधर जाओ उस तरफ। ये मल्टी कलर मिल गई मेरा। हाँ, ये मिश्रा का हो गया। ये या ये मारिया के लिए? ये अच्छा लग रहा है, दोनों सेम ही है शायद, इसमें येलो थोड़ा ज़्यादा है, इसमें कम है। कपड़े दिखाओ हमें, इस एक तो ऐसा चाहिए कुछ ब्लैक गोल्डन में हो। ये है ना, ये रहा। हाँ, इसके हाथ का मिलेगा, लेकिन दिखाओ हाथ मिश्का उसके हाथ का चाहिए। हाँ, इसी के हाथ का चाहिए, देखो ना एक बार खोल के, क्योंकि इसका दुबला वो है कलाई। और कोई डिज़ाइन नहीं है ब्लैक में? ये ब्लैक तो नहीं है, ब्लू है। सही है मिश्का, वो अच्छा लग रहा है। ये ब्लैक ही कलर है ना? ये है मिश्का, ढीला तो नहीं है? ढीला है वो थोड़ा सा, ढीला तो आने वाला है। ये वाला, ये भी ब्लैक है कि ब्लू है ये समझ रहे हैं, छोटा है। ये वाला देखो ना। तो आ गई हूँ मैं मार्केट से, और मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ है, और मैं लेके आई हूँ ये बैंगल्स। तो आई होप आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। मुझे शौक तो बहुत है, लेकिन ना मेरे मतलब मुझे सूट नहीं करता। सूट का मतलब कि मुझे ना बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है, लेकिन अभी शौक में मैंने दोनों हाथों में पहन लिया है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा हो, थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये वेलवेट में प्लेन है, तो जो वो प्लेन कांच के रहते हैं ना, वो बड़े अजीब भड़कीले टाइप के थे, तो इसीलिए वो मैंने नहीं लिए, ये वेलवेट वाले लिए हैं। और इसमें मैंने 2 कलर और लिए, इफ्तारी के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। और अम्मी को ना, मतलब अम्मी ने खाना नहीं पकाया था, तो आराम आराम से मुझे बोल देती भैया हटो खाना नहीं बनाया, भैया हटो खाना नहीं बनाया, इसकी स्टोरी। तो बस अभी मैं घर आ गई हूँ, और रोटी मैं बना के गई थी, बस अब सालन पकाना है, तो वो जल्दी से पक जाएगा। अभी टाइम हो रहा है 6:45 का, तो काम शुरू करते हैं। तो इफ्तारी आज की भी हो गई है, और मैं आज चाय लेके बैठी हूँ आराम से, और आप लोगों के साथ बात करने आई हूँ। बात करने के आई हूँ मतलब बताने आई हूँ कि इफ्तारी हो चुकी है, और बर्तन वगैरह बस अभी धो के आई हूँ। और आज थोड़ी सी हिम्मत है, कहती तो हूँ लेकिन उसके बाद मैं सो जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी हिम्मत है, तो अभी मैं चाय बना के आई हूँ, इनको भी चाय दे के आई हूँ। बच्चे अपना कुछ आर्ट का काम कर रहे हैं, और मुझे ना ये चूड़ियाँ इतनी अच्छी लग रही हैं, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब मैं बर्तन धो रही हूँ या पानी में हाथ डाल रही हूँ ना, तो ये पूरी गीली हो जा रही है। तो वेलवेट वाले में यही प्रॉब्लम रहती है कि पूरी गीली हो रही है, अब मैं इसको पोंछ भी रही हूँ तो वो सूख नहीं रही, तो थोड़ा सा ना ये दिक्कत हो जाती है इन चूड़ियों में। लगती बड़ी खूबसूरत है, लेकिन जब पानी में हाथ जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा उलझन होती है। और मशीन में कल से कपड़े धुल के रखे हुए हैं, वो अभी तक मैंने सुखाए नहीं है, तो अब चाय वगैरह पीती हूँ, थोड़ा सा लेट हूँ। लेट ना बोलने में भी डर लगता है, क्योंकि नींद आ जाती है, जाहिर सी बात है, इतना थके हुए रहते हैं बाहर का काम, घर का काम पूरे दिन, तो फिर थोड़ी सी थकान हो जाती है रोज़े की हालत में। एकदम से भी इफ्तारी के टाइम पर पानी जाता है, खाना जाता है, तो फिर थोड़ा सा आलस आ जाता है। तो देखते हैं अभी मशीन में बहुत सारे कपड़े हैं, उनको सुखाना है, और आज किसी तरह हिम्मत करके इंशाल्लाह आज मैं अलमारी सेट करूँगी। कल भी सोचा था, लेकिन कल मैंने सोचा अलमारी सेट करने पे क्यों टाइम वेस्ट करना है ना, नमाज दुआ में मतलब अपना टाइम निकालें, तो इसीलिए कल मैंने नहीं किया। लेकिन आज मैं सोचूँ इंशाल्लाह, रात में वैसे भी नींद आती नहीं है ढंग से, तो आज सोचूँ कि अलमारी को सेट कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ठूसी पड़ी अलमारी, मतलब आप लोगों को दिखाने लायक भी नहीं है, इसीलिए मैं दिखा भी नहीं रही हूँ।
और मैं चूड़ियाँ अभी थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ मैं कौन सी लेके आई हूँ और बच्चों के लिए कौन सी लेके आई हूँ, वो आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो बस अभी चाय वगैरह पी लेती हूँ, थोड़ा सा लेटती हूँ, फिर कपड़े वगैरह सुखाएंगे। तो अभी हो रही है रूम की सफाई, रूम की तो नहीं अलमारी की सफाई। और अलमारी के इतने कपड़े जब पहनने के लिए हम सोचते हैं तो कपड़े ही नहीं मिलते, और अभी इतने कपड़े हैं कि मतलब एक के बाद एक निकल रहे हैं। और अभी इतने सारे मुझे बेड के अंदर रखने हैं, और अभी बेड में भी सोचूं जगह ही नहीं है बेड के अंदर भी। तो अभी देखते हैं, बेड के अंदर भी रखती हूँ मैं कुछ, और फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। बहुत कपड़े हैं भाई, और पहनते टाइम ऐसा लगता है कि कोई कपड़े ही नहीं है, क्या पहने। सबके साथ आई थिंक सबके साथ ऐसे ही होता होगा, कपड़े इतने सारे हैं लेकिन लगता है कि क्या कपड़े पहने। तो खैर अभी मैं इस रूम को थोड़ा सा सॉर्ट लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ आराम से। अम्मी और मैंने सारा रूम साफ किया, देखे हम तीनों ने, अम्मी मैंने सबने रूम साफ किया, सब तह किया, सब किया, अभी मशीन भी लगानी है। तो अभी धुल चुके हैं कपड़े तो कल के ही धुले हुए थे जैसे मैंने आपको बताया, बस अभी सुखाने के लिए आई हूँ मैं बालकनी में। और अभी टाइम हो रहा होगा कुछ 11 बज रहे होंगे, तो सारा काम हो गया, मैंने क्लीनिंग की अंदर की पूरे रूम की, डीप क्लीनिंग। ड्रॉअर कब से की था कि मुझे साफ़ करना है, इतना कचरा था ड्रॉअर के अंदर, कब से साफ़ नहीं हो पाया था। तो खैर मतलब ड्रॉअर भी साफ़ हो गया है, रूम पूरा डीप क्लीन हो गया है, और कूलर में भी पानी भर लिया, सब काम हो गया है। बस अब दूध बॉईल करने का बचा है, तो वो अब थोड़ी देर में करूँगी, थोड़ा सा लेट जाती हूँ। आज मैं लेट नहीं पाई हूँ, चाय वगैरह पी थी उसके बाद मैं लेट ही नहीं हूँ, और उसके बाद थोड़ा बहुत काम वाम में लगी थी। फिर आज मैं मतलब हिम्मत करके मैंने कपड़े निकाले, कपड़े इतने ज़्यादा कपड़े थे, वो सब सॉर्ट करने में इतना घंटे लग गए ना। तो अब बस अब कपड़े ये वाले सुखाने के लिए आई हूँ बालकनी में, तो फिर आप लोगों को आराम से मिलती हूँ सुखा वखा।